दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ मुत्तती। मुत्तती कावेरी रिवर बैंक के पास है और बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। प्लेस बेंगलोर से 105 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आपको वहाँ पहुँचने में लग सकता है करीब 3 घंटा। रूट बहुत ही सीनिक है क्योंकि आपको फॉरेस्ट के अंदर से जाना होता है। फॉरेस्ट के एंट्रांस पे एक चेक पोस्ट है जहाँ आपको अपना डिटेल्स फिल करना होता है। मुत्तती से 2 किलोमीटर पहले से ही आपको रिवर दिखना शुरू हो जाता है रोड के राइट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुक गए थे रिवर व्यू के लिए। अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपना डेस्टिनेशन पे। ये वीकडे का वीडियो है, वीकेंड पे आपको क्राउड ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं एंट्रेंस जो है एंट्रेंस गेट से 1/2 किलोमीटर अंदर आया हूँ। जितना मैं अंदर आते जा रहा हूँ उतना मुझे ये जगह साफ मिलते जा रहा है। शुरू में ज़्यादा गंदगी था, उसके बाद मैं थोड़ा अंदर आया तो वहाँ कम था, और अभी यहाँ कम्प्लीटली नहीं है। मतलब जो भी आते हैं पिकनिक करते हैं, खाते पीते हैं और सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेचर है उसको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेचर बहुत कुछ इंसानों को फ्री में दिया है लेकिन इंसान उस चीज़ का कदर नहीं कर पा रहा है। आइए और आगे चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं, क्योंकि जितना मैं अंदर जा रहा हूँ उतना मुझे अच्छा लग रहा है। इतना अंदर आने के बाद मुझे अभी इंसानों का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, बस पानी का आवाज़ है और चिड़ियों का आवाज़ है। थोड़ा और अंदर चलते हैं। शाम हो चुकी है, अभी मैं करीब 1 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ मेन गेट से, और सनसेट हो चुका है और बादल लगा हुआ है, हवा भी काफ़ी चल रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे ये जगह क्लीन भी है और ग्रीन भी। अगर बारिश नहीं होता तो थोड़ा देर यहाँ पे मैं और रुकता। रेनकोट है, अम्ब्रेला तो नहीं है, एटलीस्ट कुछ हद तक काम में आ जाएगा ये। दोस्तों जब मैं दौड़ के वापस जा रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि जिस जगह पे मैं था उस जगह का एम्बियंस और इन्वायरमेंट बहुत ही थ्रिलिंग और कैप्टिवेटिंग था। मैं जंगल के बीच में रिवर के साइड में था और ज़ोर से बारिश हो रही थी। मैं नेचर के बीच में नेचुरल साउंड से घिरा हुआ था, वो मोमेंट मेरे लिए मैजिकल था।
बारिश हो रहा है, पूरा जंगल एरिया है। यहाँ से एक चेक पोस्ट है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर जंगल का एरिया ख़त्म हो जाता है।